हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं उस रोज़ मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किचन की बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रख सकती हैं, बट आपको पता नहीं होता है कि इन चीज़ों का किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप मोटापा से परेशान हैं तो ये बिल्कुल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी चीज़ें होती हैं, और ये सब किचन की ही चीज़ें होती हैं। किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी शरीर की बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म कर सकती हैं, और मोटापा से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, क्योंकि जब मोटापा शरीर होता है तो उसमें बहुत ही सारी बीमारियां हो जाती हैं और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, आज उसी के लिए लेके आए आज आपके लिए एक ड्रिंक्स की आप बिल्कुल फिट, घर की ही किचन की चीज़ों से बिल्कुल फिट हो सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है कि कितनी हमारे शरीर के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं। अदरक, अदरक दोस्तों सभी के किचन में मिल जाती है, क्योंकि अदरक का हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चाय के अंदर हमें डेली अदरक का यूज करते हैं, बट इसके गुणों के बारे में, आपको फ़ायदे के बारे में नहीं पता है कि अदरक हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा करती है। सबसे पहले तो दोस्तों, ये खून साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, खून को पतला करता है अदरक। तो दोस्तों, और अदरक हमारे जैसे सर्दियों में खांसी, जुखाम, कफ, इनसे बहुत ज़्यादा आराम दिलाता है। और दोस्तों, सबसे मेन है कि हमारी बॉडी में जमा हुआ जो फैट है ना, उसको निकालने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, अब इसको लेने का कौन सा तरीका है और किस तरीके से ये ड्रिंक्स आप बना करके पियेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ऊपर से छिलका निकाल लिया है। और भी अदरक हमारे शरीर के लिए और भी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो अदरक से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, और डेली यूज में हम अदरक का सेवन भी करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कद्दूकस करने का लिया है, तो इससे अब हम अदरक को कद्दूकस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर घर की ही चीज़ों से आप वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होती हैं ये, तो आपकी बॉडी को भी फायदा रहेगा और आप इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिया है नींबू। नींबू में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और नींबू का आपको सभी को पता है कि आपकी बॉडी के लिए, शरीर के लिए नींबू, एक नींबू अगर आप डेली खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है नींबू। तो नींबू का हमें छिलके का यूज करना है इसमें, क्योंकि नींबू का आप छिलका काम में नहीं लेते हैं, बट ये छिलका हमारे शरीर का जो जमा हुआ फैट है उसको निकालने में, इसके जो टोन्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको निकालने में बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है ये। तो इसका छिलके का ही मैंने कद्दूकस किया है, तो छिलके का मैंने कद्दूकस कर लिया है, ऊपर से छिलका मैंने निकाल लिया है। और दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी के घरों में मिल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से मार्केट में जाना पड़े या लाना पड़े, बट दोस्तों, लेने का तरीका थोड़ा सा ये है कि आपको इनको दिन में 3 बार पीना पड़ेगा, इस ड्रिंक्स को 3 बार पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है भगुनी, तो मैं बताऊँगी पूरे वीडियो में कि आपको कौन से समय में कब पीना है, कौन से समय में पीना है। तो सुबह सुबह आप दोस्तों, एक गिलास तो आप जो ये मैं ड्रिंक्स बता रही हूँ, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग में पीना है, तो मैंने एक गिलास लिया है। और फिर आपको नाश्ता करने के बाद में, जब आप दोपहर का खाना खाएं, उससे पहले आपको एक घंटे जिसे आप खाना खा रहे हो, तो उसके 1 घंटे पहले आपको इसको पीना है। और जब रात को आप खाना खाते हैं, तब भी आपको 1 से 1.5 घंटा पहले इसको पीना है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही स्पीड से और बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने लिया है सिर्फ 1 गिलास पानी का। तो पानी को हम सबसे पहले करेंगे गर्म। तो पानी हमारा गर्म होने लगा है, तो दोस्तों, अब इसमें हम डाल देते हैं जो मैंने अदरक और नींबू के छिलके को कद्दूकस किया था, क्योंकि कद्दूकस करने से जो इसके पूरे विटामिन है ना, वो पूरे इस पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे।
आप वैसे कूट करके भी डाल सकते हैं, बट कूटने से अदरक का इतना रस नहीं निकलता है जितना कि कद्दूकस करने से इसका निकल जाता है। तो दोनों को ही मैंने कद्दूकस किया है और अब इसको अच्छे से हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उकाल आने देंगे ताकि इसका जो भी प्रोटीन है वो पूरा इसके अंदर पानी के अंदर निकल जाए। और दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, आपको कोई ऐसी बीमारी हो कि आपको इन चीज़ों का सेवन करने से नुकसान हो तो आप एक बार आपके डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं कि हम ये चीज़ पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं ये ड्रिंक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से पानी गर्म होने लगा है, क्योंकि वैसे तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, कोई नुकसान नहीं करती है, बट आपके कोई ऐसी बीमारी हो कि इसमें आपको नुकसान हो सकता है तो इसलिए आप एक बार सलाह ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से उकाल आ चुका है और मैंने इसकी पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिख रखी है कि आपके शरीर के लिए ये क्या क्या फ़ायदा करते हैं और क्या क्या नुकसान भी करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने लिख रखी है कि कितना तो फ़ायदा करती हैं, नुकसान तो बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, बट इसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब नुकसान होगा। और देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से उकाल आ चुका है, तो इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। और इसको हमें ठंडा करके पीना है, हल्का सा ठंडा, ज़्यादा भी नहीं हल्का सा ठंडा। तो मैंने इसको छान लिया है दोस्तों, आप इस तरीके से भी पी सकते हैं इसको। और अगर आपको ये ज़्यादा कड़वा लगता है तो आप इसमें शहद भी डाल करके पी सकते हैं, ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट ये इससे भी बहुत ही जल्दी स्पीड से आपका वेट लॉस होगा और ये अच्छे से जो ड्रिंक्स हैं वो भी मीठी हो जाएगी, क्योंकि पीने का थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है जो मैंने शहद लिया है। अगर आपको दोस्तों ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा कड़वा लगता है तो पी सकते हैं। तो दोस्तों मैं 3 बार बता रही हूँ कि दिन में आपको ये 3 बार पीनी है और आपको रिजल्ट बहुत ही कम समय में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।